हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेद एंड मेडिसिन चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संतरा खाने के फायदों के बारे में और संतरे के छिलके के फायदों के बारे में। दोस्तों, संतरा एक ऐसा फल होता है जिसे देखते ही खाने का मन करता है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हो संतरे के क्या फायदे होते हैं? अगर आप इन फायदों के बारे में जानना चाहते हो तो आप सही वीडियो पर आए हो। आज की वीडियो में मैं आपको संतरे के फायदों के बारे में बताऊंगा और संतरे के छिलके के फायदों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, समय को व्यर्थ न करते हुए जानते हैं संतरे के फायदों के बारे में। दोस्तों, संतरे का जो सबसे पहला फायदा होता है वो होता है हमारी त्वचा के लिए। अगर आप एक अच्छी ग्लोइंग त्वचा पाना चाहते हो तो संतरे का इस्तेमाल करो। संतरे के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व जैसे कि विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप अपने स्किन को अच्छा और ग्लोइंग बनाना चाहते हो तो संतरे के जूस का इस्तेमाल कर सकते हो। आप रोजाना संतरे के जूस का उपयोग करके अपने चेहरे को और अपने स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप संतरे का फेस मास्क बनाकर भी अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, यह भी आपके स्किन को बहुत ज्यादा ग्लो करेगा। दोस्तों, इसका दूसरा फायदा होता है हृदय से संबंधित बीमारियों के लिए। दोस्तों, संतरे के अंदर पोटाशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अंदर विटामिन सी, फाइबर और कोलिन भी अच्छी मात्रा में होते हैं। इसलिए दोस्तों इसका उपयोग दिल से संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। अगर आपको दिल से संबंधित बीमारी जैसे कि दिल का दौरा पड़ना, हार्ट स्ट्रोक होना, कार्डियक अरेस्ट हो जाना, कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज होना, ऐसी अगर आपको कोई संभावना लगती है तो आप संतरे का इस्तेमाल करके अपने दिल से संबंधित सभी प्रकार की बीमारी को दूर कर सकते हैं और आप अपने दिल को भी मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, संतरे का एक फायदा होता है आपकी आँखों के लिए। अगर आप संतरे के छिलके को उसका जूस जो होता है या फिर उससे निकलने वाला जो पदार्थ होता है उस पानी को अपनी आंखों के अंदर डालते हैं तो आपकी आंखें बहुत ही ज़्यादा रोशनी वाली बन जाती हैं। यह आपकी आंखों के अंदर रोशनी को बढ़ाता है और आपको मोतियाबिंद, कैटरेक्ट प्रॉब्लम, इन सभी प्रकार की प्रॉब्लम से बचाता है। अगर आप नॉर्मल रूप से संतरे का इस्तेमाल करते हैं तो अब भी दोस्तों इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। दोस्तों, इसका एक फायदा होता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आज के समय में एक प्रॉब्लम बन चुकी है, वो है मधुमेह की समस्या। अगर किसी को मधुमेह की समस्या लग जाती है तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसे में दोस्तों आपको संतरे के छिलके का इस्तेमाल करना चाहिए। आप संतरे के छिलकों को सुखा लें, उसका चूर्ण बनाएं, नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करें, यह आपके मधुमेह की समस्या को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। दोस्तों, संतरे का एक उपयोग होता है वजन को घटाने के लिए। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अगर आप मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति हैं तो आपको संतरे का जूस का इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहें तो संतरे के चूर्ण का इस्तेमाल करके भी अपने वजन को घटा सकते हैं, लेकिन दोस्तों संतरे का जूस पीने से आपका वजन अपने आप ही कम हो जाता है। दोस्तों, एक प्रॉब्लम आज के समय में बहुत ज़्यादा हो रही है, वो है फ्री रेडिकल सेल का बहुत ज़्यादा बढ़ना। अगर फ्री रेडिकल सेल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो कैंसर जैसी बीमारी भी लग सकती है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज़्यादा सताने लगती है। ऐसे में आप संतरे का इस्तेमाल करके अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और फ्री रेडिकल सेल को बाहर निकाल कर कैंसर जैसी भयंकर समस्या से भी बच सकते हैं। दोस्तों, संतरे का उपयोग इतना ज़्यादा फायदेमंद रहता है कि आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। यह आपको सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम से बचाता है और आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी कर देता है कि आपको किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों, संतरे का इस्तेमाल करके आप अपने बीपी पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका हाई बीपी रहता है तो आप संतरे के चूर्ण का इस्तेमाल करें, आप संतरे के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं या नॉर्मल रूप से संतरा खा कर भी अपने बीपी को कंट्रोल में कर सकते हैं। इसके अलावा एक फ़ायदा और होता है संतरे का, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होता है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आज के समय में होती है, यौन संबंधित समस्या लोगों के सामने बहुत ज़्यादा आती है। संतरे के अंदर आंशिक रूप से ही काम को उत्पन्न करने वाले गुण होते हैं। अगर आप नियमित रूप से संतरे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यौन संबंधी समस्याओं से छुटकारा बहुत जल्दी मिल जाता है। संतरे का उपयोग करके यौन शक्ति की कमी, नपुंसकता और काम इच्छा की कमी को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, संतरे का एक उपयोग होता है कोलेस्ट्रॉल के लिए। अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनना चालू हो जाता है, खराब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने के लिए आप संतरे के चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, संतरे के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके दिल को मजबूत बनाता है और आपके खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल देता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि संतरे का इस्तेमाल आपके चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है। आप संतरे के छिलकों को
इस्तेमाल करके अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। आप इसका चूर्ण बनाकर खा सकते हैं, इसके जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। आप इसका फेस पैक बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपके चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, संतरे का उपयोग करके आप मुहासे की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। मुहासों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए संतरा बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है। इसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो कि मुहासों को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आप नॉर्मल रूप से संतरे के छिलके का पाउडर बनाएं, इसे आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। इससे दोस्तों आपकी मुहासे की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो जाती है। इसके साथ ही आप त्वचा से संबंधित जो भी तेल प्रयोग करना चाहे उसको आपको हटाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, संतरे के छिलके का इस्तेमाल करके आप अपनी त्वचा से संबंधित बीमारी को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो भी अपने चेहरे पर कोई चीज़ लगाते हैं उनको आपको हटाना पड़ेगा। संतरा आपके बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। आप एक संतरे के रस के अंदर थोड़ा सा शहद मिलाएं, इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे कंडीशनर के रूप में अपने बालों पर इस्तेमाल करें। यह आपके बालों को मजबूत बनाता है। बालों से संबंधित बीमारी जैसे कि बालों का झड़ना, बाल सफ़ेद पड़ जाना, पीला पड़ जाना, इन सभी को दूर करने के लिए संतरा बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अधिक मात्रा में संतरे का इस्तेमाल करते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, जब कभी भी बीटा ब्लॉकर हृदय रोग के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी दवाओं में से एक होता है, जिससे दोस्तों ब्लड के अंदर पोटाशियम की मात्रा बढ़ जाती है। बीटा ब्लॉकर दवा का उपयोग करने के बाद आपको कोई भी पोटाशियम से संबंधित चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आपको दिल से संबंधित किसी खतरनाक बीमारी का सामना कर रहे हो तो आपको संतरे का कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जो भी गुर्दे के मरीज हैं, जो किसी चीज़ को पचा नहीं पाते हैं या जिनका गुर्दा अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है, उन्हें एक पोटाशियम से युक्त खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए, उन्हें भी संतरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। संतरे के साथ ही उसके छिलके के फायदे बहुत सारे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह त्वचा से संबंधित विकारों को दूर करने में सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन दोस्तों, संतरे के नुकसान बहुत ही कम है, इसलिए आप इसका नॉर्मल रूप से किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे इस चैनल आयुर्वेदा एंड मेडिसिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों, अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम लिंक मिलेगी। दोस्तों, हमारी यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।